सो गाइस, मैं 5 मिनट का पावर नैप लेने चला। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि आज मैंने क्या क्या किया, तो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। उतना ही सब कुछ किया क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा घर आना था, रेस्ट करना था, पर मैं मिला अपने दोस्त तुषार से। ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने अपने बर्थडे पे इस बार, पर कोई नहीं, हर बार तो करते ही। क्यों लड्डू सो गया, कोई नहीं। और गाइस, आज है 7 मार्च, यानी कि मेरा बर्थडे कुछ मिनट बाद वो था हो जाएगा और मैं 12 बजे निकल जाऊंगा गुवाहाटी के लिए। क्या बात है। ओहो हो, चकना मकना। ये अपने उसमें अच्छा दे दो, मम्मी गिरेगा तो नहीं। युगांडा सो लड्डू कर लो पहले। शायद मैंने नहीं लगाया। मैं 5 मिनट का पावर नैप लेने चला। सो गाइस, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुनिया में आए हो तो काम करना पड़ेगा ना। क्यों मोहम्मद अली जी, जब भी मैं आपका मुक्का देखता हूँ मुझे हमेशा याद आता है काम तो करना पड़ेगा। नो पावर नैप। गाइस, मुझे एक सोल्यूशन मिल गया, मतलब मैंने खोज करी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हो और आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आपको किस पोजीशन में लेटना है और किस पोजीशन पे आपको सोना है जिससे आपकी आँख खुले और आप लेट भी ना हो, मैं बताता हूँ। अबे चला क्यों गया, इसकी पोजीशन से बताना था यार, पूरा प्लान खराब हो गया। ऐसे तो नहीं होता है। सॉरी गाइस, ये फिर कभी बताता हूँ। सो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, शुक्रिया, नमस्ते लंदन। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग, सॉरी दोबारा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दिल्ली टू गुवाहाटी, तो लेट्स गो। ठीक है। सो गाइस, लड्डी ए लड्डू मुंडा, मैं आया मुन्ना, आया मम्मी, हर हर महादेव। बाबुल की दुआएं लेती जा, जान तुझी की संसार। सो गाइस, सवारी निकल चुकी है घर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। धन्यवाद भैया। भैया कैमरे में नहीं देखते, उन्होंने मुझे बताया है कि उनको शर्म आती है। चलो कोई नहीं।
क्या बोलते हैं इसे, सरपेंटाइन लिख बोलते हैं। सो जाओ गाइस 30 मिनट के लिए। गाइस समझ नहीं आ रहा, 20 मिनट है मेरे पास और 20 मिनट मुझे सोने में लगते हैं, नींद आए ना रही। चीटिंग चीटिंग करता है तू। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो गाइस मैं हमेशा कहता हूँ ना कि भगवान पे भरोसा रखा करो, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कहाँ मैं 10 मिनट का नैप लेने की सोच रहा था, मैं 5 घंटे सो चुका हूँ और मेरा इवेंट भी डिले हो चुका है, यानी कि मैं और भी सो सकता हूँ, समझ रहे हैं आप। A few moments later. Midnight. और बताओ यहाँ के बारे में कुछ। अरे तो 1/4 देखा है अभी, तो बहुत बाकी है। ये किचन है, यहाँ पे एक बिल्डिंग का खाना बनता है, मतलब ऐसे ये खाना बनने का है, इसके जस्ट ऊपर नहीं, इसके ये खाना बनने का है, उसके उस आगे की तरफ डाइनिंग हॉल है। अच्छा, और ये सारे रूम है। जो हमारा शो का कार्ड था वो था 301, ये 013, ठीक ही है। ओए लाइट जलो भाई, ओए डर लग रहा भाई, लाइट ना हो तो मेरा क्या। सो गाइस खाने का समय हो चुका है, ये है डिनर, इसके बाद हम जाएंगे प्रो नाइट पे, ठीक है। सो गाइज मैं रूम में बोर हो रहा था तो थोड़ा यहाँ पे वॉक पे निकल गया गाने सुनते हुए, और आगे प्रो नाइट हो रही है तो वहाँ पे जाता हूँ। फर्स्ट टाइम था मेरा, मैंने आज तक ऐसे प्रो नाइट वगैरह पे नहीं गया और शायद नहीं जाऊंगा भाई, दिमाग ढिचिक ढिचिक हो गया मेरा। चल झूठा, अभी भी आंखों में लाइटें पड़ रही हैं, ऐसी कैसे नाच लेते हैं यार सारे बच्चे। ओह ओह देखो जियान। 12 seconds later. सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, अब मुझे सोना है प्लीज़।
यही था मेरा आज का दिन, जो मैंने आपको दिखाया और जो मैंने किया, और पहली बार लाइफ में मैंने इतना कम बोला होगा। उफ, बाय, हैव अ गुड नाइट।